Mitro, आर्टिकल 370 के संबंध में अलग अलग पहलुओं पे सुनील सेठी ने, निर्मला जी ने, श्री अरुण कुमार जी ने अलग अलग पहलुओं पे विस्तृत चर्चा की है। सच में इसके संदर्भ को समझने का और इस बहस को एक अंतिम रूप देने का अब समय आ गया है। जब राजनीतिक निर्णय होते हैं तो इतिहास का अपना एक स्वभाव है कि इतिहास उसको लेकर कभी ना कभी अपनी टिप्पणी निश्चित रूप से करता है। आर्टिकल 370 सच में पंडित जी का शेख साहब के साथ बातचीत करने के बाद एक राजनीतिक निर्णय था और इस राजनीतिक निर्णय का बहुत बड़ा विरोध उस वक्त भी था। अगर आप कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट देख लें तो जिन प्रोविजंस के बारे में सबसे सीमित और छोटी डिबेट हुई है वो आर्टिकल 370 था। उसके पीछे कारण था कि जिस दिन ये चर्चा हुई पंडित जी स्वयं कंस्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थे, गोपाला स्वामी अयंगर को कहा गया कि इसको रखिए और लगभग सब सदस्यों को कह दिया कि इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी। जिन लोगों को लेकर मन में चिंताएं शंकाएं थी कि ये एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं, ये विदर अवे कर जाएगा, ये उस छोटे से जो इंट्रोडक्टरी भाषण में भी उन्होंने कहा गोपाल स्वामी अयंगर ने, कुल मिलाकर चर्चा ये है कि जूनागढ़ से एक सदस्य ने खड़े होकर कहा कि अगर आप कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस दे रहे हो तो आप जूनागढ़ के लिए भी दे दीजिए, इससे ज्यादा चर्चा नहीं हुई। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जैसे इतिहास आगे बढ़ता गया और जो विकृत मानसिकता देश की राजनीति में आई इसको एक सैक्रोसेंट किस्म का प्रावधान मानने लग पड़े, जो टेम्प्ररी था, जो ट्रांजिएंट था, जिसके बारे में पंडित जी ने कहा कि ये घिसते घिसते घिस जाएगा। आज लगता है कि इतना विवादित है कि जिस विचार और संगठन से मेरा संबंध है हम कई बार अकेले इस विषय पे बोलने वाले हैं, हमारे बहुत निकटतम मित्र भी इस पे बोलने को तैयार नहीं होते। लेकिन देश का जनमत इसके खिलाफ है और कई बार ये लगता है कि हम लोग इस विषय को लेकर आइसोलेटेड तो रहते हैं लेकिन ये स्प्लेंडेड आइसोलेशन है जिसमें बहुत बड़ा वर्ग हमारे पक्ष में रहता है। और मैं हमेशा ये मानता हूं कि कभी ना कभी इतिहास को यह निर्णय करना पड़ेगा कि पंडित जी का जो जम्मू कश्मीर को लेकर दृष्टिकोण था वो सही दृष्टिकोण था या डॉक्टर मुखर्जी का दृष्टिकोण सही था। और आज जब 60 साल से अधिक हो चुके कहीं ना कहीं इतिहास को इस निर्णय करने का अवसर भी आया है। ये कोई प्रिविलेज नहीं है और प्रिविलेज ना होके जो अभी अरुण कुमार जी कह रहे थे कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो अधिकार का बंटवारा होता है ये उसका संकेत है। इट्स अ डिवीजन ऑफ पावर। जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का बाकी सब राज्यों के संबंध में डिवीजन ऑफ पावर है, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। 370 की वजह से एक उसका प्रभाव है आज
कि सेंट्रल लिस्ट बहुत छोटी है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल अफेयर्स, करेंसी, सॉवरेनिटी जैसे विषय आ जाते हैं, टेलीकम्युनिकेशन आ जाता है, डिफेंस ऑफ इंडिया आ जाता है, बाकी सब स्टेट लिस्ट में है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, जो बाकी देश के लिए एक लंबी लिस्ट सेंट्रल लिस्ट है वो वहां लागू नहीं होती। वहां स्टेट लिस्ट लंबी है, लगभग कंकरेंट लिस्ट नहीं है, और कंकरेंट लिस्ट न होने की वजह से कोई अन आइडेंटिफाइड मैटर आता है जिसको रेजिड्यूरी पावर कहते हैं, जो सेंट्रल लिस्ट की एंट्री 97 के तहत सेंटर का अधिकार माना जाता है जम्मू कश्मीर में, वो स्वाभाविक स्टेट लिस्ट का अधिकार माना जाता है। अब वो स्टेट के पास आपने अधिकार इतना दे दिया, और आज जब भी इसका हल ढूंढने की मौजूदा समस्याओं का होता है तो वो हल ढूंढने का प्रयास किस सोच से होता है? अगर आप ईमानदारी से ये 60-65 वर्ष की यात्रा तय करें तो ये जो सेपरेट स्टेटस था या स्पेशल स्टेटस था, इसकी यात्रा अपने आप में सेपरेटिज्म की दिशा में हुई, फर्दर इंटीग्रेशन और कंसोलिडेशन की दिशा में नहीं हुई। और एक प्रकार से ये प्रयास है कि किसी प्रकार से राजनीतिक और संवैधानिक रिश्ता जो है जम्मू कश्मीर का और बाकी देश का, उसको कमजोर किया जाए। पाकिस्तान का एजेंडा क्या है? पाकिस्तान का एजेंडा इज वेरी क्लियर, द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन इज जम्मू एंड कश्मीर। दे नेवर रेकंसाइल टू कश्मीर वैली बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये राजनीतिक रिश्ता अपने आप में समाप्त किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है प्री 1953 स्टेटस, उनके हर डॉक्यूमेंट में जो ऑटोनॉमी की बात करते हैं उसमें प्री 53 स्टेटस है, जिसमें फ्लैग अलग हो, संविधान अलग हो, प्राइम मिनिस्टर हो, परमिट सिस्टम हो, सदर रियासत हो, ताकि ये जो रिश्ता है थोड़ा सा लूजन हो जाए। पीडीपी उससे एक कदम आगे चढ़ती है, वो सेल्फ रूल की बात करते हैं, एक सेपरेट स्टेटस, दूसरा प्री 53 ऑटोनॉमी, तीसरा सेल्फ रूल, और चौथी कदम उस दिशा के अंदर है आजादी, जो सेपरेटिस्ट कहते हैं। और हर सोच का, हर थॉट का प्रोसेस यह है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप शुड बी लूज्ड। और क्योंकि पाकिस्तान ने यह रेकंसाइल नहीं किया, इसकी वजह से पहले कन्वेंशनल वॉर और उसके बाद प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से ये समस्या हम लोग पैदा करें, यह उनका अपने आप में प्रयास रहा। जो ये मेकशिफ्ट सॉल्यूशंस हमने निकालने की कोशिश की, जिसका तीनों स्पीकर्स ने भी जिक्र किया, ये आर्टिकल 35A था। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की कोई कॉपी खरीद लेंगे अभी तो आपको किसी वजह से, मैंने कोई 10 प्रिंटेड कॉपीज हिंदुस्तान के संविधान की चेक की, आई डिड नॉट फाइंड आर्टिकल 35A प्रिंटेड इन दोज कॉपीज। 370 का एक सब प्रोविजन है जो कहता है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से आप स्पेशल प्रोविजन जम्मू कश्मीर के लिए इंसर्ट कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अ लेजिस्लेटेड प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एन एग्जीक्यूटिवली इंसर्टेड प्रोविजन। और क्योंकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आया, तो जब रूटीन के अंदर कोई पब्लिकेशन आता है कॉन्स्टिट्यूशन का,
तो उसमें आपको 35 कैपिटल ए नहीं मिलेगा। शायद प्रोफेसर पीएम बख्शी की कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी में मुझे बहुत डिफिकल्टी के साथ उसका टेक्स्ट मिला, और वो कहता है कि जिसको हम स्टेट सब्जेक्ट कहते हैं 35 ए में उसका रेफरेंस है परमानेंट रेजिडेंट। तो जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट कोई हो, लैंड को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, जो स्पेशल राइट्स देने हैं या स्पेशल राइट्स डिनाई करने हैं वो करने का अधिकार जम्मू कश्मीर को है। अब इस 35A एक जड़ बन जाता है इस प्रॉब्लम की, एग्जीक्यूटिवली इंसर्टेड 35A, कि कोई जाकर संपत्ति नहीं खरीद सकता। जो माइग्रेंट्स 1947 में वहां आके बस गए वो लोकसभा के चुनाव में वोट डाल सकते हैं, भारत के सिटीजन्स हैं, दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बट दे आर नॉट स्टेट सब्जेक्ट्स, नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स, एंड दैट इज व्हाई दे कैनॉट वोट इन द असेंबली इलेक्शंस। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मुझे जितनी भी पार्लियामेंट्री कमिटीज पिछले कुछ सालों में गई हैं, और जब कभी तनाव होता है तो ऑल पार्टी कमेटी जाती है, मैं लगभग हर कमेटी में गया हूं, तो एक कमेटी में मेरा अनुभव श्रीनगर में भी आया और जम्मू में भी, कि बहुत एक लाजमी शिकायत दोनों क्षेत्रों से मिली कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, हमारे यहां वैकेंसीज है, फैकल्टी को कंप्लीट नहीं किया जाता, and therefore the quality of education is suffering. तो जितने भी MPs और कोई मिनिस्टर उसको लीड करते हैं, वहां के प्रशासन को कहा कि इतनी रेकलेसनेस, केयरलेसनेस क्यों है, एटलीस्ट द फैकल्टी मस्ट बी कंप्लीटेड इन प्लेस। तो उन्होंने कहा यहां हमें प्रोफेसर मिल नहीं रहे, तो उनसे पूछा आपको क्यों नहीं प्रोफेसर मिल रहे, तो उन्होंने कहा बाहर से आकर कोई भी व्यक्ति यहां काम करने को तैयार नहीं है, मेडिकल कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई आके पढ़ाने को तैयार नहीं है, उसको अगर अपना रहने के लिए अगर नौकरी लेता है तो एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी के लिए उसको अपना यहां फ्लैट लेना पड़ेगा या घर लेना पड़ेगा, वो ले नहीं सकता, यहां के प्रोफेशनल कॉलेजेस में उसके बच्चे को दाखिला नहीं मिल सकता, और यहां में पब्लिक सर्विसेज में उसके बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता। तो अगर वो यहां पर आकर मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर के नाते पढ़ाना शुरू कर देता है तो ये सारी सुविधाएं उसको नहीं मिलेंगी, पढ़ाने के लिए उसका वेतन उसको मिल जाएगा अगर उसको आपको देना है, तो सिंस नो फैकल्टी इज विलिंग टू कम, हमें स्टेट के भीतर से फैकल्टी लानी है और वो हमारे पास एडिक्वेट नहीं है। तो मैंने तुरंत कहा दिस इज द रिजल्ट ऑफ आर्टिकल 370 देन, कि आपके जो मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे तो ये इसका हिस्सा है। अब इन्वेस्टमेंट स्टेट में आए, आज हम पूरा का पूरा देश की जो आर्थिक प्रगति है, कि चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है देश के अंदर आए, और इन्वेस्टमेंट की वजह से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़े, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज बढ़े, स्टेट का रेवेन्यू बढ़े, लेकिन एक सेपरेट साइकी को लेकर आप चलेंगे और इन्वेस्टर को आप जो बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है अन्य राज्यों में वो वहां डिनाई करेंगे, जैसे उन प्रोफेसर्स को आपने की, तो आप उसको एकदम हैंडीकैप क्रिएट कर देंगे कि स्टेट के अंदर किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट ना आ सके, और इसीलिए हिंदुस्तान की सरकार इसकी वजह से जब मेकशिफ्ट सॉल्यूशन ढूंढती है, अब प्राइम मिनिस्टर दो या तीन बार वहां पर गए,
पहली बार गए तो उन्होंने एक कहा कि एक राउंड टेबल्स ऑर्गेनाइज किए और विभिन्न ग्रुप्स बना दिए और उन ग्रुप्स में कहा कि जो अलग अलग समस्याएं हैं स्टेट्स की वो डिस्कस करेंगे। उसमें एक ग्रुप बना दिया कि स्टेट का और बाकी देश का कॉन्स्टिट्यूशनल रिश्ता क्या होना चाहिए। तो हर पार्टी ने वो छह ग्रुप्स थे वर्किंग ग्रुप्स, उसमें अपनी पार्टियों के नॉमिनीज डाल दिए गए। तो हमारे भी जो स्टेट लीडर्स थे हमने पांच कमिटीज में डाल दिए। तो जो छठी कमेटी थी टू डिटरमिन दी कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया, तो उसमें कहा गया वहां स्थानीय व्यक्ति ना डालकर मुझे कहा गया आप उसके मेंबर बनिए, क्योंकि बड़ा सीरियस गंभीर विषय है। हम लोग उसकी पहली मीटिंग में गए, सबका आपस में परिचय हुआ। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, जस्टिस सगीर अहमद उसके चेयरपर्सन थे, अच्छे आदमी थे लेकिन बीमार थे। वो 15-20 मिनट के बाद कह देते थे कि अब आज की बात हो गई, परिचय हो गया, जो उसको सुझाव है भेजिए। फिर दूसरी बार मिले और उसके बाद मिले ही नहीं। मुझे पता चला बेचारे बहुत बीमार थे, ना कोई उस वर्किंग ग्रुप का मेंबर उनसे मिला, ना कभी वो पब्लिक में आए। मुझे कोर्ट सर्कल से पता चला कि ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू इवन अपियर इन पब्लिक। उस ग्रुप की कोई मीटिंग नहीं हुई। अचानक एक दिन उस ग्रुप की रिपोर्ट आ गई और एक सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का जाकर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को दे आया। अब किसी भी ग्रुप के मेंबर ने वो रिपोर्ट देखी नहीं थी, ग्रुप की कोई मीटिंग नहीं हुई, चेयरमैन वॉज नॉट इन अ मेंटल और अ फिजिकल स्टेट इवन टू बी सीन इन पब्लिक। और उस रिपोर्ट ने रीराइट कर दिया कि किस तरीके से 370 को परमानेंट ही माना जाना चाहिए और सारे इस तरह के। मैंने तुरंत उसी दिन प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि आई एम अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, देर हैज बीन नो मीटिंग, देर इज नो कंसल्टेशन, देर इज नो हियरिंग, किसी का व्यू हमने नहीं लिया, हाउ इज दिस डॉक्यूमेंट सडनली अपियर्ड। और अब मैं कई बार देखता हूं कि जितने लोग ये प्री 1953 और सेल्फ रूल वाले हैं, दैट डॉक्यूमेंट इज नाउ कोटेड एज अ सैक्रोसेंट डॉक्यूमेंट विच वॉज प्रोड्यूस्ड इन द मोस्ट मिस्टीरियस ऑफ मैनर्स। और ये जो अभी अरुण कुमार जी कह रहे थे कि लगभग हर तरीके का, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनका जवाब तो आया नहीं लेकिन ये एक उनका इनिशिएटिव था। तो द प्राइम मिनिस्टर्स ग्रेट इनिशिएटिव ऑन जम्मू एंड कश्मीर वाज अ वर्किंग ग्रुप। दूसरी बार गए तो उन्होंने नाम दे दिया राउंड टेबल। चिदम्बरम थोड़ा ज्यादा आर्टिकुलेट हैं, तो जिस बीच में वो होम मिनिस्टर थे उन्होंने नाम दे दिया नाउ क्वाइट इनविजिबल डिप्लोमेसी कंसल्टेशन, कि हमारी बातचीत चल रही है तो इट्स अ क्वाइट कंसल्टेशन विच इज गोइंग ऑन एंड वी आर अबाउट टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन। इसके अलावा उन्होंने जब वर्किंग ग्रुप्स बनाए तो एक प्राइम मिनिस्टर के जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन हैं रंगराजन, तो हाउ टू गो अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, रंगराजन कमेटी बनाई, उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी। दो साल बाद फिर प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने कहा इस बार मैं बहुत बड़ा इनिशिएटिव अनाउंस कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट अनदर कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रंगराजन टू डिसाइड हाउ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टेक्स प्लेस। तो मुझे लगा कि शायद पहले एक ऑलरेडी रंगराजन साहब की रिपोर्ट है जो मैंने पढ़ी थी, तो द सेम कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ट्वाइस ओवर, एक बार उसने रिपोर्ट दे दी, दूसरी बार रिपोर्ट नहीं दी उसने।
अब ये लेटेस्ट 3 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर ने अधिकतर सवालों का जवाब दिया टाइम विल टेल, एंड ही वॉज वेरी कॉशियस अबाउट वॉट ही वॉन्टेड टू से. देर वॉज ओनली वन आंसर टू विच ही लोअर्ड द गार्ड. And he said, we had almost come to a solution with Pakistan on Jammu and Kashmir. Ab ye bahut curious subject tha ki ye almost reached solution kya hai. Ab government of India ki, Hindustan ki ek stated position hai Jammu Kashmir pe. अब इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में ट्रैक 2 चलता है, और ये भी मैं मान लेता हूं कि डिप्लोमेसी में जो ट्रैक 2 होता है वो नॉर्मल ट्रैक से एक कदम आगे हो सकता है, लेकिन इट कांट बी ए टोटल वेरियंस विद व्हाट द स्टेटेड स्टैंड ऑफ द कंट्री इज. 4-5 साल पहले जब मुशर्रफ साहब वर्चुअली एग्जाइल में थे लंदन में, तो लगभग यही स्टेटमेंट उन्होंने दिया था लंदन में कि वी वर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच अ सॉल्यूशन विद इंडिया. अब आज तक कोई यह नहीं बता पाया कि ये ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच अ सॉल्यूशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जहां तक मेरी समझ है कि जो नेगोशिएटिंग स्पेस है वो बहुत सीमित है, और उस नेगोशिएटिंग स्पेस में टेरिटरी को लेकर कम से कम कोई नेगोशिएटिंग स्पेस हमारे पास नहीं है. जो पाकिस्तान के प्रवक्ता कहते हैं वो अपने आप में बहुत चिंताजनक विषय है, डीमिलिटराइजेशन ऑफ द वैली. अब आतंक खत्म नहीं होगा लेकिन फौज हटा ली जाएगी, सॉफ्ट बॉर्डर, फ्री मूवमेंट, कंटोनमेंट्स का डाइल्यूशन, उसके अलावा जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. अब आई ओनली होप दिस इज नॉट वन ऑफ दैट ऑलमोस्ट अग्रीड सॉल्यूशंस. अरुण जी को याद होगा कि चार पांच साल पहले जब मुशर्रफ ने यह बयान दिया, मुशर्रफ साहब ने यह बयान दिया था, तो ये और मैं डिस्कस किया करते थे, और हमारे सोर्सेज हमें बतलाते थे कि दीज वर ऑल आइटम्स ऑन द एजेंडा. द ओनली आइटम ऑन विच वी वर शोइंग पेट्रियोटिज्म एंड नॉट अग्रीइंग इज दैट बोथ करेंसीज मस्ट बी हेल्ड टू बी वैलिड टेंडर इन द वैली. ये भी उनकी डिमांड थी. अब इसको 370 की सोच के साथ आप जोड़िए कि जिसको मैं बार बार कहता हूं कि इस राजनीतिक और संवैधानिक रिश्ते को कमजोर करना, सेपरेट स्टेटस की यात्रा को सेपरेटिज्म की तरफ ले जाना, तो 370 ने उसको आरंभ किया, उस सेपरेट साइकी का निर्माण किया. कोई उसको प्री 53 सेल्फ रूल, आजादी, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, ये जितने विषय हैं एक एक करके उस दिशा के अंदर जाने वाले हैं. और इसलिए अब ये जो बार बार डिबेट आती है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की, क्या डिबेट है? AFSPA ये कहता है कि अगर जो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन है, और मेरे पास इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, जो एक पीछे डेलीगेशन गया था जब ये स्टोन थ्रोज एजिटेशन चल रहा था, ऑल पार्टी डेलीगेशन, उससे पहले एक अमरनाथ मूवमेंट के दौरान गया था दोनों स्थानों पर, तो उस वक्त बहुत जोर से वहां ये प्ली आई, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये व्यू बन रहा था कि हम लोग
एएफएसपीए को समाप्त करें। अब वहां डिस्टर्ब्ड एरिया है इसलिए आर्म्ड फोर्सेस हैं। एएफएसपीए केवल इतना कहता है कि अगर आर्म्ड फोर्सेस वहां पर हैं और अपनी ड्यूटी के दौरान किसी को चोट लग जाती है या किसी को नुकसान हो जाता है और या किसी की जान चली जाती है, तो किसी आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन के व्यक्ति को प्रोसिक्यूट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन की जरूरत होगी। इट्स अ सैंक्शन प्रोविजन। तो जब ये डिमांड चल रही थी तो मैंने वहां ऑफिशियल से पूछा कि हाउ मेनी एप्लीकेशंस फॉर प्रोसिक्यूटिंग आर्मी ऑफिसर्स आर पेंडिंग। दे सेड कि जितने भी सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं या सबवर्सिव ग्रुप्स हैं, दे मूव दीज एप्लीकेशंस एंड एट दैट टाइम दे मेंशन दैट अबाउट 2,500 एप्लीकेशंस आर। सो वेयर एवर यू डिप्लॉय एन आर्मी यूनिट एंड एन इंसिडेंट टेक्स प्लेस, वी वॉन्ट टू प्रोसिक्यूट द कर्नल। और जिसके खिलाफ केस चलेगा वो फिर चार बार सोचेगा कि वहां जाकर अपने आर्म्ड फोर्सेस के पावर्स यूज कर रहे हैं कि नहीं। तो आप इस एक्ट को समाप्त कर दीजिए। तो होम मिनिस्टर ने एक सोल्यूशन सजेस्ट किया कि जहां जहां कुछ शांति है और स्थिति में सुधार है, हम आर्मी को हटा लेंगे और हम सीआरपीएफ को वहां पोस्ट कर देंगे। सीआरपीएफ के टॉप मोस्ट ऑफिसर्स आके मुझे रात को अलग से मिलने आए, उनको मालूम था हम लोगों का क्या स्टैंड है, और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेकर आए जो जजमेंट कहता था विच आर द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन। सो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन आर आर्मी, एयरफोर्स, surprisingly not navy because there is no navy in the disturbed areas, and then all the four paramilitary forces, CRPF, BSF, Assam Rifles, Indo-Tibetan Border Police. तो मैंने अगले दिन होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को कहा कि आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन इंक्लूड CRPF, तो आप CRPF को रखेंगे तो आसपास तो फिर भी उनको भी प्रोटेक्शन होगा। So it took them a couple of weeks to realize, and the debate was we'll remove AFSPA. फिर एक सुझाव दिया कि AFSPA को जहां जहां पीस होता जाएगा वहां वहां उन डिस्ट्रिक्ट से हटा देंगे। यह भी बहुत अपेरेंटली लॉजिकल लगता था। जस्ट एज दैट वर्किंग ग्रुप और दैट इकोनॉमिक पैकेज, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि सीरियसनेस का लेवल क्या था। तो मैंने पूछा इज इट पॉसिबल टू पार्टली इंप्लीमेंट दैट, दैट इट्स अप्लाइज टू सर्टन डिस्ट्रिक्ट एंड इट डजंट अप्लाई टू सर्टन डिस्ट्रिक्ट, व्हाई नॉट। अब एक बार फिर मेरे पास दूसरी बार प्राइवेटली कुछ ऑफिसर्स मिलने आ गए उन्हीं एजेंसीज के। अब उनको फील्ड एक्सपीरियंस था, उन्होंने कहा मान लीजिए एक इन्फिल्ट्रेशन होता है एक टेररिस्ट मॉड्यूल का और हम उसके पीछे लगे हुए हैं, वो अनंतनाग से चलते चलते श्रीनगर एंटर कर जाता है, हम उसके पीछे आते हैं, तो जैसे ही श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट शुरू होगा हम रुक जाएंगे कि इस लाइन से आगे हमारे पास अब प्रोटेक्शन नहीं है और इसलिए आप जाकर इसको नॉर्मल पुलिस इसको डिसॉल्व करेगी। इज इट सर पॉसिबल टू हैव इट इन अ डिस्टर्ब्ड स्टेट वेयर टेररिस्ट कम फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, क्रॉस वन डिस्ट्रिक्ट, जंप इन टू अनदर एंड देन ट्राई एंड एक्ट इंडल्ज इन एन एक्ट ऑफ सबवर्शन? Can a geographical boundary between two districts decide? He says, my jurisdiction has been decided, limited to a district, but is the activity of the terrorist going to be divided on that geographical boundary? So, I said, what solution are you suggesting?
और इसलिए ये जो सॉल्यूशंस इस प्रकार से सजेस्ट होती हैं ये लगभग इसी तरह की हैं। ये सारी की सारी जो डिबेट हुई है, राजनीतिक दृष्टि से भी इसका सबवर्शन हुआ, और कई बार उन्होंने, जैसा अरुण जी ने कहा, कि हिंदू मुस्लिम इशू के साथ, सेक्युलर नॉन सेक्युलर इशू के साथ इसको लिंक कर दिया। ये जितने प्रावधान आए जिसमें आप, जिसको आई कॉल इट द एंटी डॉटर प्रोविजन इन द वैली, आपने कहा द एंटी ओबीसी, द एंटी शेड्यूल्ड कास्ट, द एंटी शेड्यूल्ड ट्राइब प्रोविजंस, ये सारे पैदा हुए क्योंकि 370 के तहत आपको 35A एग्जीक्यूटिव इंसर्शन से डालने का मौका मिल गया। अब 370 के ऊपर एक हिस्टोरिकल असेसमेंट हो और 370 का लाभ हुआ है, नुकसान हुआ है, अच्छा, हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारी पार्टी का कोई नेता कहता है कि इसका आंकलन कर लो, तो हमारे मीडिया के मित्र कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ स्टैंड, दे आर रेडी टू रीअसेस इट। इसका उत्तर एक ही दिशा में है कि इसका असर क्या हुआ है। कभी ना कभी तो यह प्रावधान जाएगा। अब जाने के लिए कॉम्प्लिकेशंस लीगल इतनी हैं कि आर्टिकल 368 का जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर है उसके ऊपर भी लिमिटेशन लगा दी गई है। अब राजनीतिक सोच पर निर्भर करता है। कायदे से तो ये अमेंड हो, ये डिलीट हो, ये टेम्पररी ट्रांजिएंट प्रोविजन था, समाप्त हो। और रहता भी रहे, और दुर्भाग्य से जब तक रहता रहे, मैं दुर्भाग्य से इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं रखने के, तो आज भी एक फ्लेक्सिबिलिटी सरकार के पास है इसके इंपैक्ट को डाइल्यूट करने का। इट इज स्टिल पॉसिबल टू डाइल्यूट इट इनटू एक्सटिंक्शन, और उसका जवाब आर्टिकल 35A कभी ना कभी जिस तरीके से आया था उसी तरीके से अगर बाहर चला जाता है तो अ लार्ज पार्ट ऑफ द इंपैक्ट ऑफ 370 इटसेल्फ इज डाइल्यूटेड इनटू एक्सटिंक्शन। मुझे लगता है कि इवेंचुअली इसको जाना चाहिए, इसके प्रभाव को अपने आप में डाइल्यूट करना चाहिए, और इसकी वजह से जो अलगाव की सोच पैदा हुई है, जिसकी वजह से ये सारे संविधान की, भाई हमारी ट्रैक टू के ऊपर सोल्यूशन नजर आने लग पड़ी थी, या आज़ादी आ जाए या इसकी सोल्यूशन हम लोग ढूंढें, ये सारी की सारी बहस अपने आप में समाप्त हो। किसी भी सरकार के पास ये मैंडेट नहीं होता कि देश की सॉवरेनिटी के साथ समझौता करें। अ गवर्नमेंट इज अ क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स ज्यूरिसडिक्शन इज लिमिटेड, इट कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। नो गवर्नमेंट बाय इट्स वर्च्यू ऑफ इट्स इलेक्शन ऑल्सो हैज अ मैंडेट टू डू दैट। और इसलिए इसके पैरामीटर्स के ऊपर चर्चा होती रहे जो आपने कहा, लेकिन कम से कम इसका नुकसान कितना हुआ है देश के अंदर, इसकी एक समझ और सोच और रियलाइजेशन बने। और जैसा मैंने कहा कि वी आर अलोन इन आस्किंग फॉर इट्स रिपील, वी आर आइसोलेटेड इन आस्किंग फॉर इट्स रिपील, बट इट्स अ स्प्लेंडेड आइसोलेशन बिकॉज आई हैव नो डाउट दैट अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इंडियाज पब्लिक ओपिनियन इज इन एग्रीमेंट विद अस। थैंक यू।